औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। ओपन योर बुक ऑफ साइंस। टुडे आवर टॉपिक इज़ बटरफ्लाई। आज का हमारा टॉपिक है बटरफ्लाई, और आज हम बटरफ्लाई के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सब बच्चों ने गौर से क्वेश्चन आंसर्स को सुनना है। आंसर दीज क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द टू एनिमल्स दैट गेव बर्थ टू इट्स यंग वंस। दो ऐसे जानवरों के नाम लिखें जो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका आंसर है काउ एंड मंकी। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द टू एनिमल्स दैट ले एग्स। दो ऐसे जानवरों के नाम लिखें जो अंडे देते हैं, कौन कौन से हैं? स्नेक एंड फिश। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम दैट एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। दो ऐसे जानवरों के नाम लिखें जो ज़मीन की बजाय पानी में ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कौन कौन से हैं? फ्रॉग एंड डक। क्वेश्चन नंबर फोर, What is the difference between an adult frog and its young ones? मेंढक में और उसके बच्चे में, यानी टोड में क्या फ़र्क होता है, वो किस तरह नज़र आते हैं? तो इसका आंसर है young ones look like a fish and adult frog look completely different. जब मेंढक का बच्चा पैदा होता है तो वो एक मछली की तरह नज़र आता है, तो एक बड़ा मेंढक तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द लार्वा। लार्वा क्या होता है? इसका आंसर है द लार्वा इज़ अ लॉन्ग वर्म। लार्वा एक लंबा कीड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, What happened inside the shell during the pupa stage? Pupa जब एक shell के अंदर यानी hole के अंदर होता है तो वो किस तरह, क्या उसके साथ क्या होता है? तो इसका आंसर है inside the shell, hole के अंदर caterpillar keep changing rapidly. तो सुंडी hole के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दील होती रहती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट हैपन्स आफ्टर द प्यूपा क्रैक्स ओपन। जब क्रैक ओपन होता है प्यूपा का तो क्या होता है, यानी कि जब होल प्यूपा तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है? द स्किन स्प्लिट फॉर द लास्ट टाइम एंड hardens into a shell. तो उसकी स्किन जो है वो तेज़ी के साथ तब्दील होती है, यानी टुकड़े टुकड़े होती है होल के अंदर, और सख्त हो जाती है जब वो क्रैक ओपन होता है, यानी वो शेल टूटता है। ये थे आपके आंसर क्वेश्चंस। आपकी डायरी है लर्न क्लास वर्क प्लस राइट क्वेश्चन नंबर वन ऑन नोटबुक। आपने क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है, और आपने क्वेश्चन नंबर वन को अपनी नोटबुक पर राइट करना है। राइट करते हुए आपने अपनी लाइन पैटर्न को फॉलो करना है। थैंक्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।